नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रिवॉल्यूशन पर। और आज हम आपको ले आए हैं, वैसे तो मैं अपने ही क्षेत्र में हूँ, खरखोदा से 4 किलोमीटर दूर रोहना गांव है सोनीपत जिले में। और अभी दोपहर का समय है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दोपहर को क्यों यहाँ पर आया हूँ, तो आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई बार भ्रमित होकर एक दूसरे व्यक्ति की नकल करके या किसी के बहकावे में आकर या अधिक डॉक्टरों की बातें मानकर हम ऐसा भ्रम वाला कार्य कर देते हैं कि हम अपनी प्रकृति को पीछे छोड़ दे और केमिकलों का साथ अपनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि केमिकल भी हमारी ही प्रकृति से लिए गए हैं, लेकिन केमिकल दुष्प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं वह हमारे ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं। कई बार हम पशुओं को अनेकों प्रकार के टॉनिक देते हैं, लीवर टॉनिक देते हैं, जो लिक्विड कैल्शियम सप्लीमेंट होते हैं वो देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो पशु होता है वह दूध से फैट से कम ही बढ़ता है। लेकिन कई बार हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि किस प्रकार अपने जो पशु का दूध होता है उसमें फैट की मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि हम उससे अच्छा घी प्राप्त कर सकें, या फिर अगर हम सहकारी समिति में अपना दूध देने जाते हैं तो उसमें हमें अच्छी एक अच्छी कॉस्ट प्राइस हमें मिल सके, लेकिन हम उसके लिए जो सटीक प्रयास है वह नहीं करते हैं। दरअसल फैट बढ़ाने के लिए पशु के मुख्यतः तीन ही चीज़ें कामयाब हो सकती हैं। पहली कि हम अपने पशु को बिनौले खिलाएं, यानी कि कॉटन सीड्स जिन्हें कहते हैं। दूसरा यानी कि हम अपने पशु को, जैसे चोकर होता है, चोकर में भी एक प्रचुर मात्रा में फैट पाया जाता है। और तीसरा जो सबसे कामयाब रामबाण घरेलू उच्च अचूक कुछ भी कह लो आप उसे, जो तीसरा जो सटीक उपाय है अपने पशु के दूध की मात्रा में फैट को बढ़ाने का, उसके लिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। दोपहर का नज़ारा है और मेरे आसपास जो खेत हैं इनमें कुछ श्रमिक अपने कार्य पर लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सभी लोग दोपहर को आराम करते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे इस जानकारी का पता चला, मैंने इस पर अध्ययन किया, इसको आजमाया अपने पशु के साथ, तो मुझसे डटा नहीं गया गया और मैं इधर आ गया और आज मैं इसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आप लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वरना तो आपको ऐसी वीडियो दोबारा नहीं मिल पाएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो YouTube का बेल आइकन है उसे दबाने के साथ घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसी ही नई वीडियो समय से मिलती रहें। और आज हम बात करेंगे, सामने जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये कितना जर्जर और पुराने टाइप का वृक्ष है। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यह बहुत ही जर्जर हालत में वृक्ष है। दरअसल यह बहुत पुराना हो चुका है। जो इसका तना इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह भी काफ़ी जर्जर हालत में है, क्योंकि यह वृक्ष काफ़ी उम्र लिए हो चुका है। इसका तना भी काफ़ी भारी भरकम है। इस वृक्ष का नाम दरअसल है, गुजरात में इसे शम्मी वृक्ष कहते हैं, पंजाब में इसे जांड कहते हैं, हरियाणा में इसे जांडी या जाटी कहते हैं, राजस्थान में इसे खेजड़ी कहते हैं या खेजड़ो कहते हैं, और जो इसका साइंटिफिक नेम है उसे में इसे प्रोसोपिस केनीरारिया कहते हैं, प्रोसोपिस केनीरारिया। और जो इस वृक्ष का महत्व होता है वह बड़ा ही अनोखा महत्व होता है। राजस्थान के लोग इस वृक्ष का क्या करते हैं, वह इसकी जो ये इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ, ये पत्तियाँ, दरअसल इस वृक्ष की क्या पहचान होती है कि ये जो टहनी है, दरअसल ये जो टहनी होती है वृक्ष की, इस पर छोटे छोटे कांटे जो आपको मिलते हैं। दरअसल दो प्रकार के ऐसे वृक्ष होते हैं, एक देसी कीकर होती है हमारी, उस पर एक पीले रंग का फूल होता है जो अलग ही पहचान में आ जाता है कि यह जाट नहीं है, यह देसी कीकर है या फिर यह खेजड़ी का वृक्ष नहीं है। लेकिन जो खेजड़ी का वृक्ष होता है इसकी एक अलग ही पहचान होती है।
कुछ ही समय के लिए इस पर इसका जो फल है, इसकी फलियां जो है वो लगती हैं, नहीं तो अन्य समय में हमें यह पहचानना होता है कि यह जाति का वृक्ष है या नहीं है। तो इस पर जैसा कि मैं ये आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। राजस्थान के लोग इसका क्या करते हैं, वह इसकी छड़ियों को काट लेते हैं, यानी कि जो इसकी टहनियाँ, जो इनकी ब्रांचेस होती हैं उन्हें काट लेते हैं। ये जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, इन ब्रांचेस को काटने के बाद वह इन्हें सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद नीचे किसी कपड़े, बर्तन अथवा स्थान की सहायता से इनके जो पत्ते होते हैं उनको झाड़ लेते हैं सूखने के बाद, और स्टोर करके रख लेते हैं। प्रतिदिन प्रति पशु को यदि 250 से 500 ग्राम यदि ये पत्ते खिलाए जाते हैं। दरअसल हमारी जो दादी नानी है, मेरी जो खुद की दादी नानी है, उनका बताना है कि इन पत्तों को लूंग कहा जाता है, और यदि जाटी की लूंग पशु को खिलाया जाए तो पशु में फैट की मात्रा 125 से 150%, यानी कि 1.5 से 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। जिस भैंस का आप 10 लीटर दूध में 1 kg टिंडी घी, यानी कि 1 किलो नोनी घी जो आप निकालते हैं, वह बढ़कर 1.5 किलो हो जाता है, यानी कि आपको उसमें 200 से 300 रुपये प्रतिदिन फ़ायदा देखने को मिलता है। और राजस्थान में इसे बकरियों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बकरियों का दूध बहुत पतला होता है, तो उस दूध को शुद्धता देने के लिए, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इस लूंग का प्रयोग किया जाता है। इससे जो हमारे पशु का दूध का फैट होता है वह प्रचुर मात्रा में बढ़ता है, वह फैट बहुत दिनों तक बना रहता है। यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को जब पूरा देखें, पूरा देखने पर ही आपको पता चलेगा और प्रयोग करने के बाद ही पता चलेगा। दरअसल जाटी का वृक्ष हरियाणा में केवल दक्षिण पश्चिमी भाग में ही पाया जाता है। यह जाटी का पेड़ मुझे बड़े मुश्किल से मिला है, क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर एक मंदिर है, और मंदिर में जो पुराने वृक्ष होते हैं उन्हें संजो कर रखा जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कतीरे का पेड़ है जिसका हम गूंद कतीरा प्रयोग करते हैं पशु के लिए, इस पर भी मैं जल्द ही एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। और जो अन्य वृक्ष आप देख रहे हैं, जैसे कि नीम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और यहाँ पर एक तालाब है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें मंदिरों में अवश्य ही देखने को मिल जाती हैं। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि धर्म के नाम पर हम प्रकृति को तो बचा ही पा रहे हैं, वरना तो लोग पेड़ पौधों को तक को नहीं छोड़ते हैं, कम से कम मंदिर के नाम पर यहाँ पेड़ों को तो बचाया जा रहा है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई सवाल जवाब होते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब अवश्य दूंगा। और यह जो नुस्खा है, यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, इसे आप रामबाण नुस्खा कह सकते हैं। इससे अच्छा मेरी नज़र में और कोई नुस्खा नहीं है। अगर आपका पशु बिनोले नहीं खाता है और आपके निकट कोई जाटी का वृक्ष है, तो आप उसकी पत्तियों को, यानी कि उसके ये जो लूंग होती है, इसे इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सुखा करके रख सकते हैं, और पशु को हरे चारे में या उसके दलिये बाटे में, बाट बंटे में डालकर उसको खिला सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी होता है। यह पत्तियाँ कोई मामूली पत्तियाँ नहीं हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में जो आपके मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम सप्लीमेंट, लीवर टॉनिक होते हैं, फैट बढ़ाने के अनेकों नुस्खे होते हैं, अलग अलग चैनलों पर भ्रामक वीडियो डाले जाते हैं कि ये खिलाएं तो आपके पशु की जो फैट होगी वो दूध में 10% आएगी, 12% आएगी, लेकिन वे सब भ्रामक वीडियो होते हैं। मैंने सबका प्रयोग करके देखा है, तब मुझे अपने परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जाटी की लूंग होती है, उससे ही पशु का जो फैट होता है वो बढ़ता है। तो मैंने इस तरीके को आजमाया और आप सबके साथ शेयर किया। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।